हे फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं एक वेबसाइट के बारे में जो कि लॉर्ड मोबाइल के लिए ही मतलब जो भी है इनका सिस्टम। सो उस वेबसाइट पे आपको पता चलेगा कि जैसे कि आपको अपनी अकेडमी 25 करनी है तो आपके बैटल हॉल के लिए कितने वॉर्ड थूम चाहिए और आपके ऑल्टर के लिए कितने सोल क्रिस्टल चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको उस साइट पर पता चल जाएगा। और जैसे कि आपको अपनी ट्रूप ट्रेन करने तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। और सबसे मेन आपको जैसे कि कैलकुलेट करने हैं अपने स्पीड अप कि आपके पास कितने दिन के स्पीड अप हो गए हैं, तो आप उस साइट पर कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ, तो कोई भी आप अपना ब्राउज़र खोलिए, वहाँ पे आपको सर्च करना है सिंपली लॉर्ड मोबाइल। तो ये पहली मैं पढ़ाई तो इसे मैं ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे एक बात गाइस, यहाँ पे आपको अपनी रोटेशन ऑफ करनी पड़ेगी, स्क्रीन रोटेशन। तो मेरी ऑफ है अभी, तो मैं अपने फ़ोन को सीधा रोटेट करता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले है स्पीड अप कैलकुलेटर, यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास जितने भी स्पीड अप है आप यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि मैं अभी रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दोनों अलग हैं, स्पीड अप अलग हैं और रिस्टार्ट स्पीड अप अलग है, तो उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे टोटल करके आपको बता देगा कि कौन से आपके हैं। तो रिसर्च के हटा दोगे तो आपको यहाँ पे खाली स्पीड अप के दिखेंगे और रिसर्च के जाओ तो रिसर्च के दिखेंगे, और दोनों भी दिख सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटल दिखा देगा कि आप कितने दिन के स्पीड अप हैं, तो उससे आप अपने कैलकुलेट कर सकते हो आपके पास कितना स्पीड अप हो गया टोटल। और ये तो हो गया पहला, ठीक है। और दूसरा है अपना ट्रूप ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आप एक तरीके से आप पूछोगे इसका क्या फायदा, तो मैं फ़ायदा बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी सेटिंग्स खोल लें, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग स्पीड डालें। मेरी ट्रेनिंग स्पीड है 436, मैं डालता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सब्सिडी डालनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी क्लैबरी की चेक कर, जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ कि मुझे क्लैब बनानी है, तो मैं यहाँ पे अपनी P3 की क्लैब की सब्सिडी करता हूँ। मेरी सब्सिडी है आई थिंक 4 या 4 है। उसके बाद मैं ये सेटिंग ऑफ करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे T3 क्लैब बनानी है, मान के चलिए 100 के बनानी है मुझे एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करना है मुझे कि इसमें कितना रिसोर्सेस लगे, कितना दिन का स्पीड अप रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब्सिडी और मैंने अपनी ट्रेनिंग स्पीड डाल दिया। तो यहाँ पे मुझे 12 दिन मान के चलिए 13 दिन का स्पीड अप लगेगा। और यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल जो रिसोर्सेज लगेगा 40 मिलियन फूड, 40 मिलियन स्टोन और 40 मिलियन मेरा ओर और 1 मिलियन गोल्ड। तो यहाँ पे सारे दिख जाएंगे। T4 के भी आप यहाँ पे देख सकते हो, मान के चलिए आपको जैसे कि होता है कि T4 कितने रिसोर्सेज लेते हैं लगने के लिए, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मान के चलिए 100 के मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है T4। तो यहाँ आप देख सकते हो सिर्फ इसमें 25 डेज का स्पीड अप लगेगा 100 के बनाने में। और मेरी स्पीड जैसे कि मैंने डाली हुई 436, उसके बाद भी इसमें 25 डेज का स्पीड अप लगेगा सिर्फ 100 के T4 बनाने में। और साथ में रिसोर्स आप देख सकते हो, हालांकि मैंने सब्सिडी नहीं डाली है, तो गाइस सब्सिडी भी उनकी देर में होंगी, फिर भी मैंने सब्सिडी यहाँ पर नहीं डाली है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना रिसोर्सेज लग रहा है, 100 मिलियन ईच लग रहा है गोल्ड को छोड़ के, 15 मिलियन गोल्ड लग रहा है यहाँ पर T4 को ट्रेन करने में। और सबसे लास्ट में अकेडमी 25 कैलकुलेटर, तो ये भी थोड़ा ठीक है बिगिनर्स के लिए, ठीक है कि आपको कितने जेम्स लगने हैं इन तीनों पेड बिल्डिंग से करने के लिए। सबसे पहले अपना बैटल हॉल, तो यहाँ पे सिंपल है आपको अपने करेंट क्या कहते हैं बिल्डिंग की वो डालनी है। तो मेरी 24 है तो मैं 24 डालता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि मेरे पास 4500 और चाहिए मुझे मेरी अकेडमी 25 के लिए। और जैसे कि मेरा ऑल्टर मेरा 17 है अभी, तो मैं 17 डालता हूँ। और मेरे पास करीब 3000 हैं सोल क्रिस्टल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इसने बता दिया कि मेरे को 14400 सोल क्रिस्टल चाहिए। तो ये आपकी हेल्प करेंगे थोड़ी सी, जैसे टोटल लगते हैं 20,000 तीनों पेड बिल्डिंग्स को करने के लिए। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि 600 जेम्स लगते हैं तीनों पेड बिल्डिंग्स को करने के लिए। तो गाइस अगर आप सेव नहीं करते हो अपने जेम्स को, प्लीज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है मेरी पेड बिल्डिंग्स को करने के लिए, क्योंकि मैं क्या बताऊँ, छोड़ो जो। सो यहाँ पे जैसे कि अभी इवेंट चल रहा है,
जिसमें कि अभी ट्रिकस्टर आया था, जिस दिन ट्रिकस्टर का इवेंट आया था मैंने 2 दिन वेस्ट कर दिए, मुझे याद ही नहीं था, मैं बिज़ी था थोड़ा, तो मैं वो ट्रिकस्टर वाला इवेंट नहीं कर पाया। लास्ट डे पे मैंने स्टार्ट किया था उसमें ट्रिकस्टर को मारना। उसके बाद अब यहाँ पे जैम मॉन्स्टर का इवेंट है तो जो कि जैम देता है, तो मेरे पास कल जब ये इवेंट स्टार्ट हुआ मेरे पास 40 के जैम्स थे, तो मैंने कल से लेकर आज हिट करते हुए, कल रात को मैं सो गया था फिर जल्दी, मैंने 30 के जेम्स मैंने कलेक्ट किए हैं टोटल मॉन्स्टर को मार मार के, मतलब मार मार के। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पूरा क्या कहते हैं रिपोर्ट भरी पड़ी है इनसे, मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने मारे हैं। और अब मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं मन भी नहीं कर रहा मतलब ये गेम ऑन करने का, पर गिल्ड बैच भी चालू है और मैंने 2 माइग्रेशन फूल वेस्ट कर दिए, क्योंकि पहले मैं किंगडम में गया था, मुझे लगा ये डेड किंगडम है तो मैंने गलती से वहाँ चला गया, वहाँ इतना डेड नहीं था। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे आया इस वाले किंगडम में, तो मैंने 2 माइग्रेशन स्कूल वेस्ट हो गए, वो कोई नहीं। सो होली स्टार मेरे पास करीब 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 40 के कलेक्ट किए थे मैंने, और जैम मैंने 30 के कलेक्ट किए हैं। तो होली स्टार का सिस्टम ये था कि मैंने लास्ट डे पे हंटिंग स्टार्ट की थी तो होली स्टार थोड़े कम हो पाए थे, पर अभी 2 दिन और रहेगा ये जैम मॉन्स्टर वाला इवेंट, वो कम से कम 100 के से ऊपर जाऊंगा मैं, इतना तो है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये किंगडम बहुत डेड है, यहाँ पे अभी भी मॉन्स्टर हैं ये वाले, पर इनको मारने का मन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा घंटों बैठ बैठ के, मेरे सर में दर्द हो रहा था। पर आप करते रहिए क्योंकि जैम चाहिए ज़रूरी है, और होप करता हूँ इसी साइट के बारे में आपको पता नहीं होगा, आपको उससे हेल्प होगी, एक बार जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। तो इसके बाद वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।